तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम साराने। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परिव्लॉग में। तो आज की वीडियो में मैं कुछ खास बात करने वाली हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के ना बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं सबसे पहले उन कमेंट्स का रिप्लाई करने वाली हूँ। ज़्यादा नहीं, दो चार लोग हैं जो, ये भी वो लोग हैं जो सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखना जानते हैं, ठीक है। सिर्फ ये वो ही लोग हैं और उसी गिनती में आते हैं। मैं आज बहुत सारे स्क्रीन शॉट्स भी लगाऊंगी, ठीक है। कहते हैं ना कि हमारी लड़कियां, माँ बाप जो होते हैं वो लड़के को बाहर भेजते हुए डरते हैं कि क्योंकि लड़की अकेली है, कहीं उसके साथ कुछ हो ना जाए। तो वो इन जैसे लोगों की वजह से ही होता है। पता है क्यों? क्योंकि ये ना उन लोगों में से है, जैसे कि मुझे बोलते हैं ना कि क्या आपके घर का मैटर है, कि आप क्यों इनके घर के मैटर में पड़ रहे हो। तो घर का मैटर नहीं है। घर का मैटर जब तक होता है जब तक कोई बात सोशल मीडिया पे नहीं आती, प्राइवेट रहती है एक रूम के अंदर, एक मकान के अंदर। लेकिन जब कोई बात सोशल मीडिया पे आ जाती है ना, तो फिर वो बात प्राइवेट नहीं रहती है, उस बात को प्राइवेट नहीं कहते हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया के सामने आ गई है बात और लोग उस पर रिएक्शन जरूर देते हैं, ठीक है। बहुत से लोग बोलते हैं कि यार हमारे वो, पता क्या होता है आजकल लड़कियाँ क्यों सुरक्षित नहीं है, क्यों कोई किसी के भी साथ नहीं दिया जाता, क्यों? क्योंकि जब अगर किसी लड़की के साथ कुछ हो रहा है ना रास्ते में, या कोई लड़की उसको छेड़ रहे हैं, या फिर किसी के साथ गलत हो रहा है, तो इन जैसे लोग पता क्या सोचते हैं, यार हम क्यों बचाएं इसको, हमारी क्या बहन लगती है ये, हमारी क्या माँ लगती है ये, हमारे कोई रिश्तेदार है, कौन लगती है हमारी ये, हम क्यों बचाएं इसको। यही होता है ना, तुम जैसे लोग इसी कैटेगरी में आते हो ना कि हमारा तो कोई रिश्ता है नहीं इससे, हम फिर क्यों बचाएं इसको, क्या लगती है हमारी ये। लेकिन जब आप लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं ना, तभी हमारे देश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। लेकिन अगर आप सबको, जैसे तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी माँ बहन है, ऐसे ही सबको अपनी मानोगे ना, तो शायद हमारा देश सुरक्षित हो जाएगा, ठीक है। तुम जैसे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं ना, कि ये तो उत्तराखंड है, ये तो यूपी है, अरे क्या उत्तराखंड की और भारत यूपी की लड़कियाँ अलग अलग होती हैं? क्या पूरे देश की, जो हमारा भारत देश है, इसकी बेटियां सब हमारी बेटियां नहीं हैं? इनकी जो माँ बहनें हैं वो हमारी माँ बहनें नहीं हैं? हमारा फर्ज नहीं बनता कि किसी के साथ गलत हो रहा है तो उसको इंसाफ दिलाने का? माना कि हम कोई जज नहीं है, कोई वकील नहीं है, और ना ही हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन कम से कम हम किसी को अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो कम से कम उसको सपोर्ट तो कर सकते हैं ना, या फिर उससे भी पीछे हट जाए कि हम किसी को क्यों सपोर्ट करें, हमारा क्या मतलब इस चीज़ से। ये लोग चाहते, यही चाहते हो आप लोग, किसी को सपोर्ट ना करें और होता रहे जो कुछ हो रहा है, बस अपनी फैमिली को देख के चले, हमारी क्या फैमिली लगती है वो, हमारे के कुछ लगते हैं वो लोग, बस यही मान के बैठ जाओ, है ना। बोलते हैं कि अंकिता तिवारी को क्यों इंसाफ नहीं मिला, अरे अंकिता तिवारी को इंसाफ नहीं मिला है ना, तो तुम लोगों की वजह से नहीं मिला है, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम लोगों के मन में वहां पर भी ये बात आई होगी कि अंकिता तिवारी हमारी कुछ लगती है, कि अंकिता तिवारी हमारी बेटी है, हमारी माँ है, हमारी बहन है, नहीं मानोगे ना तुम लोग, क्योंकि अंकिता तिवारी, अगर तुम ये लोग ये मांग चलते ना कि अंकिता तिवारी सिर्फ उनकी बेटी नहीं है, पूरे देश की बेटी है, तो शायद अंकिता को आज तक इंसाफ मिल गया होता, पर किसी ने अंकिता के ऊपर वीडियो नहीं बनाई, बस एक दो वीडियो स्टार्टिंग में बनाई, जब उसके ऊपर केस, उसके साथ ये सब कुछ हुआ तो उन लोगों के व्यूज आ गए, बस छुट्टी। फिर क्या लगती है अंकिता हमारी, कोई अंकिता हमारी रिश्तेदार तो है नहीं, कोई हमारी मौसी की बेटी तो है नहीं, तो फिर हम क्यों बनाए उसके ऊपर वीडियो, हम उसको क्यों इंसाफ लेते, लेकिन उसकी माँ, उसके घर वाले, बस यहाँ तक कि आप लोगों की सोच रहती है ना। अगर कभी इससे ऊपर सोच आप लोगों की उठती नहीं है तो आप लोग क्यों किसी को इंसाफ दिलाओगे। जरूरी नहीं होता है कि हम किसी का, किसी के साथ खड़े रहें तो उससे ना उसका जो मेंटली वो होता है ना, मोरल सपोर्ट होता है उसका, हम किसी को इंसाफ नहीं दिलाएंगे, लेकिन अगर हम किसी के साथ खड़े हो जाएंगे ना तो उसका मोरल सपोर्ट बढ़ता है। जैसे कि अंकिता, एक दिल्ली में केस हुआ था निर्भया वाला, सब लोगों ने जी जान लगा दी थी, एक कर दी थी, तो निर्भया के हत्यारों को क्या मिल गया था, इन्होंने निर्भया के साथ गैंग रेप किया था, निर्भया के जो अपराधी थे उनको फांसी की सजा मिल गई थी, है ना। अगर ऐसे ही अंकिता के साथ सब लोग खड़े होते ना, सर आज अंकिता का केस भी सुलझ गया होता, लेकिन सब लोग मेरे अकेले खड़े होने से सब कुछ हो जाएगा? मैं तो वैसे भी, तुम बोलते यूके की नहीं, यूपी की हो तुम, यूके की नहीं हो तुम लोग, कभी गए जैसे अंकिता की माँ जहाँ जहाँ चाहती है, आप लोग कभी गए उनके सपोर्ट में, खड़े हुए उनके साथ? आशुतोष नेगी खड़े हुए इस बार इलेक्शन में अंकिता को न्याय दिलाने के लिए, आप लोग गए उनके साथ, उनके समर्थन में आए? नहीं, क्योंकि हमारी बेटी थोड़ी ना है, हमारी बहन थोड़ी ना है अंकिता, जिसकी है वो अपने आप करेगा,
बस ये चलता रहे और ऐसे तो सबका उद्धार हो जाएगा, है ना। तो मैंने एक सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो किसके लिए बनाई थी, साक्षी विवेक गहलोत के ऊपर और एक सरिता है उनके ऊपर। दोनों के हस्बैंड की कंडीशन ना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि दोनों के हस्बैंड के एक्सीडेंट में उनका जो माइंड है ना उसने काम करना छोड़ दिया है दोनों के हस्बैंड ने, ठीक है। मैंने उन दोनों के ऊपर वीडियो बनाई, ठीक है। जब तक वो फर्स्ट टाइम ही यूट्यूब पे आए थे दोनों लोग, मैंने दोनों के लिए वीडियो बनाई। आज दोनों के एक के 40+ सब्सक्राइबर हैं और एक के 10,000 के आसपास आने वाले हैं, है ना। तो मैंने उनके लिए वीडियो क्यों बनाई, क्या लगते हैं मेरे वो, क्या साक्षी मेरी बहन है, मेरी मौसी की बेटी है, मेरी कोई रिश्तेदार है, नहीं है। सरिता मेरी बहन है, मेरी कोई रिश्तेदार है, मेरी मौसी की बेटी है, नहीं है। कुछ नहीं है मेरी, कुछ नहीं लगते मेरे, लेकिन एक इंसानियत, एक मानवता है, ठीक है। मैंने उनके सपोर्ट में वीडियो बनाई, ठीक है। और आज वो दोनों मेरे लिए इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं कि दीदी अगर आप ना होते तो शायद हम यहाँ तक ना होते, और आप लोग, आपका वो सपोर्ट है कि आपने हमें, हमारे लिए वीडियो बनाई और हमें यहाँ तक पहुँचाया, ठीक है। मैं उनके स्क्रीनशॉट लगा दूंगी वीडियो में, देख लेना अच्छे से आप खोल खोल के, ठीक है। तो ये इज्जत कमाई है मैंने, और हमें तो सच का साथ दिया है तुम लोगों कहने से कि ये हो गया वो हो गया, इसके ऊपर वीडियो बना दी, इसके ऊपर वीडियो बना दी, हमारी वीडियो बनाने से व्यूज आते हैं या हमारे वो करने से व्यूज आते हैं, इससे कुछ नहीं हासिल होने वाला, ना कुछ होता है, ठीक है। इन चीजों से कुछ नहीं होता है, अरे किसी कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम किसी को रोको तो मत। अगर तुम किसी की बहन बेटी के बारे में सोचोगे तो तुम्हारी बहन बेटी के बारे में कोई सोचेगा, बस नहीं। लेकिन तुम लोग, लेकिन नहीं, तुम लोग ये नहीं कर सकते। तुम लोग सिर्फ भाषण देने आते हैं, लंबे लंबे लेक्चर देने आते हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं आते हैं। और मैं आज दो वीडियो और लगाऊंगी मैं यहाँ पर, एक मौली की और एक मौली की दादी दादा की, क्या इन लोग क्या बोलती है वो कि मुझे घर से बाहर निकाल दिया था इन लोगों ने, मैं इनकी वजह से आई हूँ छोड़कर, है ना। तो आप देखना कि वो बिहारी खुद, जो बिहारी नेपाली, वो खुद सामान रखते हैं कि नहीं रखते हैं, ऐसे इन्हें खुद बुलाया हुआ है, उनको नहीं बुलाया हुआ है। और मौली की वीडियो भी सुनना, मैंने अब तक नहीं डाली थी मौली की वीडियो। जब थाने से मैडम आई थी तो मैंने मैडम के सामने उनको कहा था कि उनको बिरेंद्र विष्ट को छोड़ दे और हमको अपना ले, तो उन्होंने तो उन्हीं को चुना और हमको छोड़ दिया। मैं बस न्याय चाहती हूँ कि मेरे पापा को न्याय मिल जाए और उनकी आत्मा को शांति मिले। मेरे को बस मेरे पापा के लिए न्याय चाहिए। उन्होंने अपनी वीडियो के माध्यम से कहा था कि वो लोगों के कहने पर घर छोड़कर जा रही हैं, तो वीडियो में जिन लोगों का नाम है वह, उन्होंने किसी ने भी नहीं कहा कि वो घर छोड़ के जाए, वो खुद अपनी मर्जी से गई हैं। वो बहुत पहले से घर छोड़ने की बातें कर रही थी और आज चली भी गई। मैं मौली रावत, मैंने आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखाया था तो बहुत लोगों का कमेंट आया था कि मतलब कैसी बेटी है ये, तो जो सच्चाई है मैंने तो वही बताई थी। तो अब तो वो घर छोड़ के जा चुकी हैं। मैंने अपने पापा को बस न्याय दिलाने के लिए वो वीडियो बनाई थी, आज वो अपना सारा सामान लेके चली गई और वो यहाँ पर दो लेबर आए थे और एक ट्रॉली वाला था जो उनका सामान लेके चले गए हैं। शुरू बेटी ड्रामा बीरेंद्र सिंह बिस्ट वही देखे बोल चाल चीवल फोन में वही वीडियो भी बनाई हुएगी, वो धमकी देनी दुआली हुई बरिल भी हुई धमकी देनी वो अपने मौत के रह जहर खा के, और आज यू तो लूट पाट के घर में नाना छेड़ के भी तो चली भर के लिखी।
चलो मेरी। पर आज लगता है मुझे सही टाइम है मौली की वाली वीडियो डालने की, ठीक है? तो मौली की वीडियो देखना अच्छे से। उस बेटे को नहीं हुआ मेंटल टॉर्चर बिल्कुल भी, वो माँ बाप, बूढ़े माँ बाप, जिसका बेटे ने जहर खा के मर गया, उसको उसने ऐसे ही जहर खा लिया। क्या अपनी जान देनी इतनी ईजी होती है? क्या कोई इंसान अपनी जान इतनी आसानी से दे सकता है? तुम लोग दे सकते हो अपनी जान? कोई नहीं दे सकता, ठीक है? अगर उस बंदे ने आत्महत्या की है ना, उस बंदे ने मरा है, तो ये सोचो कि उस पर क्या बीती होगी, उसने क्या सहन किया होगा कि जब वो मरा है। और क्या बोलते हैं ये कि तुम लोगों ने पहाड़ छुड़वा दिया और उन लोगों ने पहाड़ छुड़वा दिया और तुम लोगों ने उन लोगों ने घर से निकाल दिया और तुम लोगों ने हमारा पहाड़ छुड़वा दिया, ऐसे ही बोलते हो ना तुम लोग? मुझे एक बार बताओ तुम मुझे कि हम कौन होते हैं? तुम हमारे ऊपर 1000 वीडियो बनाओ, तुम लोग मेरे ऊपर 1000 वीडियो बनाओ और आसपास के सब लोग देखें, अगर मैं ठीक हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मैं ठीक हूँ, तो किसकी मजा लगी मेरे ऊपर उंगली उठा दे? कभी कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि मैं ठीक हूँ। और मैं क्यों भागूंगी यहाँ से? जब मैं ठीक हूँ, चाहे कोई मेरे ऊपर कितनी ही उंगली उठा ले, मुझे कितने गलत साबित कर ले, अगर मैं ठीक हूँ तो मैं यहाँ से टस से मस नहीं होऊंगी, ठीक है? और ना ही कोई मुझे उस गलत निगाह से देखेगा। लेकिन तुम लोगों ने बेशर्मी की बिल्कुल हद ही पार की हुई है। क्या बोलती है कि मुझे बोला है कि तेरे मुंह में बू दे दूंगी? कौन सी वीडियो में बोला मैंने? संस्कारों की बात करती है। है तेरे अंदर संस्कार? संस्कार हैं, ये संस्कार दिए गए हैं कि अब एक आदमी के लिए अपने जो बच्चे पेट से पैदा किए, लोग पेट से निकला हुआ जो वो होते हैं जानवर, होते हैं जानवर, वो भी अगर अपने उनका जो बच्चा होता है ना, वो उसके बिना अगर थोड़ी सी दूर बांध देते हैं ना, तो वो चिल्लाना शुरू कर देती है। फिर तुम तो एक औरत थी, फिर उसके बावजूद तुम तीन तीन बच्चियों को छोड़ के भाग गई सिर्फ एक इसके लिए? ये मायने रखता है सब कुछ दुनिया में? और कुछ मायने नहीं रखता? अगर तुम ठीक हो तो तुम क्यों छोड़ते हो पहाड़? तुम क्यों छोड़ते हो कुछ भी? तुम ठीक हो, लोग तुम्हें, अगर लोगों की नज़र में तुम ठीक हो तो लोग तुम्हें उसी नज़र से देखेंगे, किसी कहने से तुम गलत नहीं बन जाओगे। और तुम्हारी कौन सी वीडियो होती है जिसमें तुम हमारा जिक्र नहीं करते हो? क्या तुम लोगों के यहाँ बहन भाई का रिश्ता नाजायज रिश्ते ही माना जाता है? क्या तुम हर किसी के बहन भाई के रिश्ते पर उंगली उठा देते हो? हर किसी के कैरेक्टर पर उंगली उठा देते हो? क्या तुम लोग इतने दूध के धुले हुए हो दोनों? तो भाई सारी असलियत सामने आ गई है, उसके बाद भी यही बोलते हो? वो कहते हैं हम, चलो तुम कहते हैं कंप्लेन करा देंगे, एक काम कर मेरे ऊपर कंप्लेन करा दे, मेरे जितने सपोर्टर है सबके ऊपर कंप्लेन करा दे, देखती हूँ हमारे ऊपर कौन सा केस लगता है। पहले अपनी बात का खुद ढिंढोरा पीटेंगे, उसके बाद बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जो तुमसे होता है कर लो ना, वो हम कोई बहरे नहीं है, हम गूंगे नहीं है, हम अंधे नहीं है, क्या हमारी जुबान नहीं चलती है? जो तुमसे होता है तुम वो, जो तुमसे बन पड़ता है ना तुम वो करो, ठीक है? और तूने आज दोनों हाथ जोड़े कहा ना कि मेरी वीडियो बनानी छोड़ दो, ठीक है जा, तेरे ऊपर वीडियो बनानी छोड़ दी, तेरे ऊपर वीडियो नहीं बनाएंगे, ठीक है? लेकिन जो आज के बाद मेरे किसी भी सपोर्टर के बारे में तुमने वीडियो में कुछ कहा या मेरे बारे में, किसी के बारे में टू जेड जिनके तुम नाम लेते हो, जो मेरे सपोर्टर हैं, जो तुमने उनके बारे में कुछ भी कहा किसी भी वीडियो में, तो वीडियो फिर बनेगी, ध्यान रखना। मैंने कहा पहले भी कहा था, तुम्हारे हाथ में है कि मैं तुम्हारे पर वीडियो बनानी छोड़ दूँ चाहे रहने दूँ। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे पर वीडियो बनानी छोड़ दूँ तो बिल्कुल छूट जाएगी तुम्हारे पर वीडियो बनानी, पर उसके लिए तुम्हें तैयार होना पड़ेगा। अगर तुम लोग चाहते हो मैं तुम्हारे पर वीडियो ना बनाऊँ, तो आज के बाद किसी भी वीडियो में मेरे से रिलेटेड किसी भी मेंबर्स का नाम, किसी भी मेरे फैमिली मेंबर का नाम, ये नहीं कि मेरी फैमिली से मेरे मायके वाली ससुराल वाली है, मेरी यूट्यूब फैमिली के किसी भी मेंबर के खिलाफ कुछ भी बोलना छोड़ दो। अपनी ज़िंदगी तुम्हें जीनी है जियो, जैसे तुम्हें रहना है वैसे रहो, पर अगर मेरा नाम किसी वीडियो में लिया या मेरी किसी यूट्यूब फैमिली का नाम तुमने अपनी वीडियो में लिया और उसको गंद तरीके से तुमने पेश किया, तो फिर वीडियो बनेगी तुम्हारे ऊपर, ठीक है? और रही बात उसकी, क्या बोलते हो तुम लोग, और मैंने आज ये वीडियो बना दी, इसके बाद एक वीडियो और बनेगी तुम्हारे ऊपर, ठीक है? इसके बाद एक वीडियो और बनेगी तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तेरे पति की दिली इच्छा है कि मैं पैठानी वाली जो बात है वो रखूं वीडियो में, तो तेरे पति की जो दिली इच्छा है दुष्ट की, वो मैं पूरी जरूर करूंगी,
ठीक है, इसके बाद एक वीडियो हो आएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना अच्छे से, अगर तुम लोग चाहते हो कि हम तुम्हारे ऊपर वीडियो ना बनाएं और लोग सपोर्ट करके, मतलब तुम के चाहते हो कि तुम्हें कहते हो हमारे इतने सपोर्टर हैं, तभी देखें 4000 व्यूज आ रहे हैं तो उनमें सिर्फ 98 लाइक्स हैं वीडियो पे। खुद अंदाजा लगा लो कि तुम्हें कितने लोग सपोर्ट करते हैं, कितने लोग तुम्हें पसंद करते हैं, उससे खुद अंदाजा लगा लो अपनी बात पे, ठीक है। और फिर बोल रही हूँ लास्ट बार, और जो ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, क्या हुआ यार, कुछ सब कुछ नहीं होता, सबको पता है कि कैसे हैं कैसे नहीं हैं। और अगर तुम्हें माँ बाप का, बूढ़े माँ बाप का, माँ बाप और बेटी का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो इस चीज़ को तुम लोग बहुत बढ़ावा दे रहे हो कि वो बहुत सारे लोग आओ और ऐसी एक दो घर उजाड़ो और फिर बच्चों को छोड़ो और फिर तुम मौज करो, हम तुम जैसे लोगों को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो लास्ट बार फिर बोल रही हूँ वीडियो में, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर वीडियो बनानी छोड़ दूँ, एक वीडियो तो पक्का आएगी क्योंकि तेरे पति की दिली इच्छा है कि मैं मंगलवार पैठानी वाली वीडियो बनाऊँ, वो वीडियो पक्का आएगी। उसके बाद एक वीडियो आ गई, एक वीडियो हो रही, उसके बाद अगर मेरे ऊपर किसी भी वीडियो में मेरा नाम लिया या मेरी किसी भी YouTube फैमिली का नाम लिया, फिर मुझे मत कहना कि वीडियो क्यों बनाई मेरे ऊपर, फिर मैं वीडियो बनाऊंगी ही बनाऊंगी। अगर चाहते हो वीडियो ना बनाऊं तो अपना काम करो, अपना जो खाना है खाओ, पियो, मजे में रहो, कुछ भी करो, आई डोंट केयर। पर अगर किसी वीडियो में कभी भी मेरे से रिलेटेड या मेरी फैमिली से रिलेटेड, मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे सपोर्टरों से रिलेटेड किसी को ऊपर भी कोई वीडियो बना दी या किसी का भी नाम ले दिया या किसी के भी कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाई या किसी को भी कैरेक्टर लेस बोला, अपना काम करो, अपनी वीडियो बनाओ। मेरा काम है रिएक्शन देना, मैं रिएक्शन दूंगी, किसी पे भी दूं, ठीक है। तो अगर ये सब कुछ करा तो फिर मुझे मत कहना वीडियो क्यों बनाई, उसके जिम्मेवार तुम होगे खुद। तो इसलिए अच्छे से सुन लेना इस वीडियो को, बहुत ही अच्छे सुन लेना इस वीडियो को, मैंने क्या बोला है। तूने मेरे आज दोनों हाथ जोड़े तो मैंने तुझे छोड़ दिया, जा जी भागो अपनी जिंदगी दुष्ट के साथ, नहीं बनाऊंगी तेरे ऊपर वीडियो। लेकिन अगर मेरे किसी भी सपोर्टर के ऊपर वीडियो बनाई, उसका नाम लिया वीडियो में या कुछ भी गलत वर्ड यूज किया किसी के लिए भी, तो फिर वीडियो बनेगी, उसकी जिम्मेदार तू खुद होंगे। तो इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलती हूँ आपको एक अच्छी से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। चैनल पे न्यू आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।